और बावड़ियों की लिए राजस्थान अपनी अलग पहचान रखता है, लेकिन इसके साथ ही अब उनमें कई नई लोकेशंस की डिमांड भी सामने आने लगी है। वो पर्यटक जो दोबारा प्रदेश में कदम रखते हैं, कुछ नया चाहते हैं, इसके लिए प्रयास होना जरूरी है। वही गोवा गुजरात की तर्ज पर यहाँ पर्यटकों के एंटरटेनमेंट फैसिलिटी भी विकसित होनी चाहिए। अगर बात सरकार स्तर की करें तो ज़्यादातर सुविधाएं पर्यटकों की पहुंच से दूर होती नजर आती है। RTDC के होटल्स की हालात किसी से छिपी हुई नहीं है। प्रदेश में करीब 30 होटल्स हैं जहां बुकिंग का टोटा रहता है। सरकारी स्तर पर महज विदेशी पावणों के लिए लोग बदल लिए जाते हैं। मैं प्रेरणा जोशी, इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव राजस्थान। पधारो मारे देश, सैलानियों को आकर्षित कर रही राजस्थानी संस्कृति। राजस्थान की संस्कृति पर्यटकों को अपनी ओर खींच लाती है। यहाँ का परिधान और खान पान सैलानियों को आकर्षित करता है। इसके चलते देसी विदेशी पर्यटक को खींचे चले आते हैं। गर्मियों का सीजन पर्यटन के लिहाज से ऑफ सीजन माना जाता है। गर्मियों में पारे की बढ़त के चलते पर्यटक राजस्थान आने से परहेज करते हैं। यही हालात इस सीजन में भी सामने आए हैं। पिछले सालों की तुलना करें तो आंकड़े बयां करते हैं, पिछले 2 सालों में सैलानियों की संख्या में कोई खास फर्क नहीं आया। एक तरफ जहां आंकड़े सैलानियों के बढ़ने की ओर इशारा करते हैं, तो वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि आंकड़े और वास्तविकता में दिन रात का अंतर है। विशेषज्ञों के अनुसार प्रदेश भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों में सुविधाओं की दरकार सुनने को मिलती है। ऐतिहासिक किले और बावड़ियों की लिए राजस्थान अपनी अलग पहचान रखता है, लेकिन इसके साथ ही अब उनमें कई नई लोकेशंस की डिमांड भी सामने आने लगी है। वो पर्यटक जो दोबारा प्रदेश में कदम रखते हैं, कुछ नया चाहते हैं, इसके लिए प्रयास होना जरूरी है। वही गोवा गुजरात की तर्ज पर यहाँ पर्यटकों के एंटरटेनमेंट फैसिलिटी भी विकसित होनी चाहिए। अगर बात सरकार स्तर की करें तो ज़्यादातर सुविधाएं पर्यटकों की पहुँच से दूर होती नजर आती है। RTDC के होटल्स की हालात किसी से छिपी हुई नहीं है। प्रदेश में करीब 30 होटल्स हैं जहाँ बुकिंग का टोटा रहता है। सरकारी स्तर पर महज विदेशी पावणों के लिए लोग बदल लिए जाते हैं।